साथियों, आज मेरे इतने सारे गरीब भाई बहन अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कुछ अपेक्षाएं भी रखता हूं। अगर मैं आपसे कोई अपेक्षा रखूंगा तो पूरी करोगे ना? मैं कह सकता हूं कोई काम आप लोगों को करेंगे फिर भूल जाएंगे? नहीं भूल जाएंगे। अच्छा, भारत सरकार करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए घर बना रही है, घर में नल से जल दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, माताओं बहनों को बिना धुएं को खाना बनाने की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में एलईडी बल्ब का ही उपयोग करेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी हालत में कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, वरना आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टी उल्टी रख देते हैं, नल चालू रखते हैं, सुबह 6 बजे उठना है तो घंटी का काम करता है, पानी आएगा, बाल्टी की आवाज आएगी तो लगेगा। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना बहुत जरूरी है, और उससे भी आगे एक और बात, हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वच्छता का वातावरण हो, और मैं तो कहूंगा कि आप ही लोग अपनी कॉलोनी में टावर टावर के बीच में स्पर्धा कीजिए, हर महीने स्पर्धा, कौन सा टावर सबसे ज्यादा स्वच्छ है। झुग्गियों के बारे में इतने दशकों से जो धारणा बनाकर के रखी गई थी, झुग्गियों को जिस तरह गंदगी से जोड़ा जाता था, अब हमारा दायित्व है इसको खत्म करना है। मुझे विश्वास है आप सभी लोग दिल्ली और देश के विकास में इसी तरह अपनी भूमिका निभाते रहें।